हेलो दोस्तों, आज हम एक टैबलेट लेके आए हैं जो इम्पोर्टेंट टैबलेट है। आप लोग को ज़रूरत हमेशा पड़ेगा कि ये टैबलेट किस ये टैबलेट के कौन सी बीमारियों में हम दे सकते हैं, उसका फ़ायदा इतना है और नुकसान इतना है, और ये कब ज़रूरत पड़ता है, तो आपको पूरा जानकारी मिलेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो इस टैबलेट में क्या है जो आप लोग को फ़ायदा होगा और सभी को ये टैबलेट ज़रूरत होगी। इसका टैबलेट का नाम है बास्कोगेस्ट टैबलेट है। जो ये टैबलेट का फ़ायदे, नुकसान और साइड इफ़ेक्ट और डोजेस के बारे में पूरा जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बास्कोगेस्ट टैबलेट के बारे में। आप लोग देख सकते हैं बास्कोगेस्ट टैबलेट, और उस साइड में ये कलर येलो कलर है, और ये मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। उसके MRP 32 रुपीज़ है, 32 रुपीज़। 10 टैबलेट आता है, 1 स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन सी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट आपका अगर पेट दर्द हो, पेट में दर्द हो रहा है, कभी स्टोन ये दर्द हो रहा है, स्टोन का मतलब आपका गोल्ड ब्लाडर है, वहाँ स्टोन हो गया है, वहाँ स्टोन ये दर्द हो रहा है, आप उसे गोली खाने से, आपको ये टैबलेट लेने से आपका दर्द आराम हो जाएगा। कभी कभी आपका पेट में ज़्यादा गैस हो गया है, गैस में आपका दर्द हो रहा है पेट में, तो ये लेने से आपका दर्द आसानी से आराम हो जाएगा। अगर आपका पेट में अगर किसी गैस्ट्रिक अल्सर का दर्द हो, तो गैस्ट्रिक अल्सर का दर्द हो रहा है, तो आप इस टैबलेट लेने से आपका दर्द आराम मिल जाएगा। अगर आपका पेट में कोई भी दर्द हो, आप उसे लेने से आपका दर्द आराम मिल जाएगा। अगर आप पेट में कोई इन्फेक्शन हो, या अभी आपका पुराना घाव है, अल्सर है, तो उसमें आपको ज़्यादा दर्द होता है, तो ये आप लेने से आपका दर्द आराम मिल जाएगा, आसानी से आपका दर्द का आराम मिल जाएगा। तो ये अगर किसी की महिलाओं के अगर पेट में दर्द हो रहा है, तो महिलाओं भी ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते, प्रेगनेंसी में लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि प्रेगनेंसी में ये ले सकते हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें कि बास्कोगेस्ट टैबलेट प्रेगनेंसी में ले दिया जाता है कि नहीं। तो डॉक्टर की सलाह से ही ये लिया जाता है, और उसे आप सिर्फ ये पेट दर्द में ही दिया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत कम समय में ये रिजल्ट अच्छा देता है। उसका डोजेस के बारे में बता दूँ, उसका डोजेस है कि आप डोजेस उसका है कि सुबह शाम दो बार ले सकते हैं, नॉर्मली सुबह शाम दो बार ले सकते हैं आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद। इसी तरह आप अगर ज़्यादा पेट में दर्द हो, तो आप 10 से 15 डेज ले सकते हैं। और ज़्यादा दर्द हो, अगर नॉर्मली दर्द हो, वो 5 दिन लेना है, 5 दिन लेने के बाद अब उसे छोड़ देना है। अगर ज़्यादा दर्द हो तो 10 से 15 डेज डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर दिखाई नहीं ज़्यादा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, उसका साइड इफ़ेक्ट अगर आप ज़्यादा वो डोज ले लिया, तो आपका उल्टी हो सकता है, आपका शरीर में कमजोरी हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है। तो इसलिए आप उसे ये टैबलेट लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि बिना डॉक्टर की कोई भी मेडिसिन आप लोग यूज़ मत कीजिए।
अगर आप नॉर्मली ट्रीटमेंट करना है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अगर मेजर केस हो गया तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।